अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो डिफरेंट रेसिपीज़ का कॉम्बिनेशन, यानी दो डिफरेंट रेसिपीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और इसको जो है सबसे बड़ी बात, ये समर स्पेशल है और समर्स चल रहे हैं, आप इसको बना के इंजॉय कर सकती हैं। आप अपने गेस्ट के लिए बना सकती हैं, अपने किड्स के लिए बना सकती हैं। बहुत ईजी पीजी सी और बहुत ही हल्की फुल्की सी रेसिपीज़ हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें और आपकी जो है ना रेसिपीज़ ये परफेक्ट आपके पास बनकर तैयार हों। और लास्ट में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी जो है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, अब वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगी 1 कप दूध। मेरे पास जो 1 कप है ना, ये 250 ml का है। और इसमें हम शामिल करेंगे वनीला फ्लार। ये बेसिकली मेरे पास जो वनीला आइसक्रीम बनती है ना, उसका फ्लार मेरे पास रखा हुआ था, मैं वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई सा भी जो फ्लेवर आपको पसंद हो। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको साइड पर रख दीजिए। अब यहाँ पर हम लेंगे एक पैन और इसमें मैं शामिल करूँगी 5 कप जो है मैंने यहाँ पर दूध लिया है। अच्छा, अब आपको देखने में ये जो कस्टर्ड है ना, कस्टर्ड और दूध ज़्यादा लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर एक और डिज़र्ट भी मैंने बनानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर दूध और कस्टर्ड की क्वांटिटी जो है वो मैंने ज़्यादा रखी है। 1 कप यहाँ पर मैंने शामिल की है चीनी। अगर आप सिर्फ यही मतलब ग्लास का जो डिज़र्ट है वो ये बनाना चाह रही हैं, तो उसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी एज़ इट इज़। और जब आप देखें कि आपका जो ये दूध है ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना ये जो कस्टर्ड का मिल्क, यानी जो मिक्सर हमने बना के तैयार रखा था वो। और इसी तरह से आपने इसमें शामिल करना है, एक हाथ से डालें और दूसरे हाथ से आप स्पैचुला को या फिर विस्कर को कंटिन्यूसली चलाते रहें। जब आप देखेंगे जिस तरह से हमारा जो कस्टर्ड का थिकनेस होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर ये थिक चाहिए। और यहाँ पर जो है हमारा कस्टर्ड तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दें। जब आप देखें कि ये जो कस्टर्ड है ये ठंडा हो चुका है, तो फिर हमें चाहिए एक बाउल और इसमें हम ये जो कस्टर्ड है ना इसको डाल के अच्छे से विस्क कर लेना है ताकि गुठली वगैरह इसमें ना रहे। तो अब इसको हमने कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। और जब तक हमारा ये जो कस्टर्ड है ये ठंडा हो रहा है, और तब तक हम अपनी जो है चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिल्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकती हैं, डेयरी मिल्क ले सकती हैं, डार्क चॉकलेट ले सकती हैं। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 कप क्रीम। अगर आपकी क्रीम फुल चिल्ड हुई, यानी उसी वक्त आपने फ्रिज से निकाली है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स। और जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए तब तक आपने इसको मिक्स करके साइड पे रख देना है। जब ये नॉर्मल हो जाए तो फिर यहाँ पर मैंने लिया है गर्म पानी और डबल बॉयलर मेथड की मदद से हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। लेकिन अगर आपकी क्रीम और जो हमने इसमें चॉकलेट शामिल की है वो ठंडी हुई और आपने एज इट यानी डायरेक्ट ही इसको गर्म पानी में रख दिया, तो आपका जो बाउल है ना ये टूट जाएगा और आपकी चॉकलेट सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, जब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसको हमने ठंडा होने के लिए साइड पर रख देना है। जब चॉकलेट ठंडा हो जाए तो इसको थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी के लिए हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब हम अपनी क्रीम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1 कप व्हिपिंग क्रीम और ये फुल चिल्ड क्रीम मैंने यहाँ पर ली है। अच्छा, क्रीम भी मैंने यहाँ पर ज़्यादा व्हिप करूँगी क्योंकि 2 रेसिपीज़ यहाँ पर बन रही हैं। अच्छा, जो दूसरी रेसिपी है ना उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आई बटन पर आप क्लिक करके उस रेसिपी को देख सकती हैं। और व्हिपिंग क्रीम जो है यहाँ पर आपने ओवर व्हिप नहीं करना, और बिल्कुल जो पीक फॉर्म में व्हिप करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको व्हिप करना है जिस तरह हमें केक बनाने के लिए चाहिए होती है, बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी की। अगर ओवर व्हिप हो गई तो ये जो क्रीम है ना ये फट जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारी व्हिपिंग क्रीम भी तैयार है, इसको अब साइड पर रख देंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिए हैं ओरियो बिस्किट्स, इसका मैंने 1 पैकेट लिया था और इसमें से हमें तकरीबन 5 से 6 इस्तेमाल में चाहिए होंगे। तो यहाँ पर जो है बिस्किट्स को कवर से बाहर निकाल दीजिए और बिस्किट्स की जो वाइट कलर की क्रीम होती है ना इसको हम अलग कर लेंगे और जो बिस्किट्स हैं इनको हम अलग कर लेंगे। और ये जो क्रीम है इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, इसको भी आगे चल के हम इस्तेमाल करने वाले हैं।
या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप साथ भी इसको ग्राइंड कर सकती हैं। अब हमें चाहिए ग्राइंडर, और उसमें डाल के हमने इसको जो है एक दरदरा से जो पाउडर बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर जो है इसका मैंने पाउडर बना लिया है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसको ग्राइंड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपने इसका पाउडर बना लेना है दरदरा सा। अब जो व्हिपिंग क्रीम हमने तैयार की थी, इसमें से आधी जो है मैंने निकाल ली थी क्योंकि दूसरी रेसिपी के लिए, और अब इस आधी में से भी हम जो है आधी अलग कर लेंगे, और आधी में जो है जो हमने चॉकलेट सिरप बनाकर रखा था वो इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो चैनल पर न्यू है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो जो है इसको लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि आपकी रेसिपी जो है ना वो ख़राब ना हो और आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ आप नोट कर सकें। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, किसी भी किस्म का जो है लंप ना रहे, यानी वाइट और जो चॉकलेट का फ्लेवर है ये दोनों बिल्कुल कंबाइन हो जाए। तो यहाँ पर ये जो हमारा चॉकलेट है यानी क्रीम चॉकलेट, ये भी हमारा बनकर तैयार है, इसको भी हमने रख देना है साइड पे। अब यहाँ पर जो है हमने 3 किस्म की क्रीम्स जो हैं तैयार की हैं। एक ये चॉकलेट क्रीम हो गई, एक वाइट कलर की क्रीम हो गई, और एक जो है हमने अपना कस्टर्ड तैयार किया था। अब इन तीनों को हमने जो है पाइपिंग क्रीम का जी जो जिपलॉक बैग होता है ना, इसमें हमने शिफ्ट करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल जो थैली होती है ना प्लास्टिक की, आप इसकी जगह पर वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये तीनों जो है आपने बनाकर साइड पर रख देने हैं। अब हमें चाहिए एक ग्लास, इसके जो बेस में हम रखेंगे अपना ओरियो बिस्किट का जो पाउडर है वो, सेकंड लेयर हम अपनी कस्टर्ड की देंगे। अब यहाँ पर जो है ना ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से इसको डेकोर करना चाहें उसी तरह से कर सकती हैं। अब जो है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट पाउडर, और अब यहाँ पर मैं इसमें जो है शामिल करूँगी ये जो हमने वाइट कलर की क्रीम को व्हिप कर लिया था वो। इसी तरह से वन बाय वन हम सब क्रीम्स और ये जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किए हैं उनके साथ पूरा ग्लास जो है डेकोर कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, बहुत आसान सी, बहुत यमी सी, बहुत डिलीशियस रेसिपी है, और बनाने में इसको आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा और ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होगी। इसको सर्व करने से पहले आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए और कम से कम भी 1 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है ताकि ये सेट हो जाए और इसका जो असल टेस्ट है ना वो आपको तभी खाने को मिलेगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप दूध, यानी 1.5 कप दूध लिया है मैंने यहाँ पर। ये फुल फैट मिल्क है और मैंने प्रोसेस्ड मिल्क लिया है, आप खुला दूध भी ले सकती हैं। आधा कप मैंने लिया है कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है आप अच्छी क्वालिटी का लेंगी तो इसका जो टेस्ट है ना वो ज़बरदस्त आएगा। लो क्वालिटी का जो कोको पाउडर होता है उसका टेस्ट जो है ना खाने में अच्छा नहीं आता, तो जब भी कोको पाउडर लेने के लिए जाएं उनसे कहें कि मुझे अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर दिखाइए, तो वो हमेशा बाय किया करें, उससे आपकी रेसिपी मज़ीद ज़बरदस्त बनती है। आधा कप मैंने यहाँ पर ली है चीनी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर आपका दूध जो है ठंडा हुआ तो इसको मिक्स करने की नाकाम कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडे दूध में आप इसको मिक्स नहीं कर पाएंगी, इसलिए इसको डायरेक्ट चूल्हे पर रख के बिल्कुल लो आंच पे साथ ही इसको मिक्स करती जाएँ और पकाती जाएँ।
अच्छा, इसको पकाने में जो है ना आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। इस दौरान जो है आपने हैंड विस्कर या फिर जिस चीज़ से भी आप इसको मिक्स कर रही हैं उसको आपने बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। जितनी देर इसको पकने में लगेंगे उतनी देर आपने कंटिन्यूसली इसमें चम्मच, स्पैचुला या जो भी चीज़ है उसको आपने चलाते रहना है। तो यहाँ पर तकरीबन 16 से 17 मिनट के बाद चॉकलेट सिरप जो है ये हमारा बनकर तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दीजिए। जब तक सिरप हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फुल चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है, गुड क्वालिटी की लीजिएगा। और एक बाउल चाहिए, इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप व्हिपिंग क्रीम। मेरा जो कप है ना 1 कप 250 ml का है, और टोटल व्हिपिंग क्रीम जो हम यहाँ पर लेंगे वो 500 ml हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो आप हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है ना आपका टाइम डबल ट्रिपल लगेगा और आपके बाजू में भी बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक बीटर से आपने इसको अच्छे से व्हिप करना है, ओवर व्हिप नहीं करना, और इतना भी ना हो कि ये जो है व्हिपिंग क्रीम ये पतली सी रह जाए। इतना इसको व्हिप करना है कि अगर आप बाउल को उल्टा करें तो ये नीचे ना गिरे। तो यहाँ पर जो हमारी क्रीम है इसको मैंने व्हिप कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना चॉकलेट सिरप, ये ठंडा हो चुका था तब तक, और मज़ीद इसको हम व्हिप करेंगे और अच्छे से, यानी कि इसको हमने करना है मिक्स। चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन जो है ज़रूर प्रेस किया करें। उससे क्या होगा कि आपसे मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस नहीं होगी। अब इसको इसी तरह से साथ साथ मिक्स करती जाएं और इसको व्हिप करती जाएं। लास्ट में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारी जो यहाँ पर चॉकलेट का ये जो सिरप है ना ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। सिरप क्या बल्कि जो चॉकलेट है हमारी, चॉकलेट आइसक्रीम, ये बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी इसमें जो है टेक्सचर दिखने को मिल रहा है, और खाने में भी ये इतनी ही लाजवाब और इतनी ही यमी होगी। तो इसको हमने व्हिप कर लिया है। अब आपने लेना है कोई एयर टाइट कंटेनर, और ये जो हमने चॉकलेट आइसक्रीम बनाकर तैयार की है आपने इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। और इस पे आपने जो है थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स अगर आपके पास हैं तो वो स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे जो लुक है ना वो हमारा अच्छा लगता है, अदरवाइज़ टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसको जो है फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट, और मैंने तकरीबन इसको 17 से 18 घंटे मेरे हो गए थे। चॉकलेट आइसक्रीम हो या कोई सी भी आइसक्रीम हो या फिर केक हो, उसको अगर हम फ्रिज में टाइम देना तो उसका असल जायका तभी हमें खाने को मिलता है। तो ये दूसरे दिन मैंने आइसक्रीम यहाँ पर निकाली है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी ज़बरदस्त हमारी जो आइसक्रीम है ना ये बनकर तैयार हुई है। तो ये थी हमारी आज की यमी सी रेसिपी। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।